बिहार के ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर पंचायत अंतर्गत सेरा टोला के समीप बासी नदी कटाव कर रही है, जिससे सेरा टोला गांव के लोगों में भय का माहौल व्याप्त है। वहीं सेरा टोला निवासी लोगों ने बताया है कि 10 वर्ष पहले गंडक नदी में जाकर समाहित होने वाली बासी नदी यूपी के सीमावर्ती गाँव नरवा टोला के समीप बहती थी। धीरे धीरे कटाव करते हुए बिहार की सीमा में प्रवेश कर गई और नदी के बाएं किनारे पर बसे उमा टोला गाँव को अपने जद में ले लिया। उस समय 300 से अधिक परिवार बेघर हो गए और उमा टोला के नाम से वहां से 1 किलोमीटर की दूरी पर सरकारी जमीन में अपना आशियाना बनाकर रहने लगे, जबकि 50 परिवार उमा टोला से पश्चिम सेरा नामक पड़ती में आकर निवास करने लगे। लेकिन इन 10 सालों के अंदर नदी निरंतर धीरे धीरे कटाव करते हुए यूपी की सीमा को छोड़कर 1 किलोमीटर तक बिहार की सीमा में प्रवेश कर गई और अब दूसरी जगह आबाद सेरा टोला गांव को अपने आगोश में लेने के लिए आतुर है। वहीं ग्रामीणों ने प्रशासन व जनप्रतिनिधियों के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए बताया कि नदी के विनाशकारी रवैये के संबंध में स्थानीय प्रशासन व जनप्रतिनिधियों को 2 वर्ष पहले अवगत कराया गया था। उस समय नदी गाँव में काफी दूर पर थी। मौके पर अधिकारी व कई जनप्रतिनिधि मुआयना करने के लिए भी पहुंचे और उनके द्वारा गाँव को बासी नदी के कटाव से बचाने का आश्वासन भी मिला, लेकिन गांव को बचाने के लिए अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं ग्रामीणों ने बताया है कि नदी गांव के आखिरी घर से महज कुछ ही दूरी पर है। वहीं जलस्तर में कमी के बाद तेज गति से कटाव कर रहे हैं। यदि शीघ्र ही बचाव कार्य नहीं कराया गया तो उक्त गांव नदी के कटाव में चला जाएगा। इस वक्त हम पहुंचे हैं ठकराहा प्रखंड के मोतीपुर क्षेत्र में। यहाँ पे सेरा टोला नाम का एक गाँव है जहाँ पे बासी नदी का जो है कहर बरसा हुआ है। आए दिन यहाँ पे कटान होती है और यहाँ का जनजीवन तबाह है। यहाँ पे किसी प्रशासन का या किसी का भी ध्यान नहीं है। यहाँ पे ये देखा जा रहा है कि लोग अपने नाव से खेती करने के लिए नदी के उस पर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पे कोई सुविधा और कोई सरकारी व्यवस्था नहीं की जा रही है। आइए यहाँ की आम जनता से जानकारी लेते हैं कि उनको किस प्रकार की समस्या है और नदी का कटान कब से हो रहा है। काका तहार नाम का पड़ी? बाहुराम। बाहुराम, जान सके नहीं तनिक समस्या जो कटान के कितना दिन से होता है? कम से कम 10 साल से बा, लेकिन बाद में बन भइल पानी तो ना कटलस और फिर शुरू हो गई बा कटाव। ये जगह सुविधा खरीद करने का चाहता लोग, ये जगह सुविधा कहते हैं सोलिंग चाहते हैं जो सोलोपिन हो जाए, एक आध गो ठोकर भी बना जाए तो पानी कटित हो जाए तो हमके गांव बच जाए। सरकार के तरफ से पे कोनो सुविधा चाहे कोनो सपोर्ट? सपोर्ट सरकार के मिली तबे नहीं हुई, माने सरकार की तरफ से कोनो ध्यान नहीं खेत ना। और तीसरा उठान में कोनो सरकारी कोनो एजा मतलब के देखे ओके एजा ना आए ना। लेकिन हमने के रगवा लोगों के बोलोलो बन जा आई, जैसे हमने के अब तीसरा उठान से चौथा उठान कटी तो हमने के कहाँ जाए? खेती गृहस्थी के तनिक का दिक्कत परेशानी, खेती गृहस्थी के तकलीफ यह वजह है अनाज पानी दहिया तो वह पर खेत हमने के पड़ता है, यानी नदी के ऊपर पड़ता जी। नदी को जाए खेती का सुविधा कोनो सुविधा जाने छी ना से जाए जाता सरकार द्वारा चाहे विधायक द्वारा चाहे मुखिया द्वारा कोनो सपोर्ट तो नहीं? कोनो सपोर्ट जाने आवाज तनिक उठा बोल कबो जी कासन सक्का मिलल उन से आवाज यही से उठा लन हमने के गोरन जन ये कार्यालय ब्लॉक में गोरन जान तो ओजा वीडियो साहब को तनी जे ओजा सैनिक लगा है वहाँ कटाव हो रहा है तो हम लोग बोले थे जो हाँ वहाँ कटाव चल के देखिएगा तभी तो पता लगेगा। वीडियो साहब भी नहीं है, वीडियो साहब भी नहीं है और कोई सुविधा नहीं मिल पाया? कोई सुविधा नहीं। आप लोग यहाँ पे किस तरह की सुविधा चाहते हैं? यहाँ पे सुविधा ही चाहते हैं जो हम लोग थोड़ा सोलिंग हो जाए भाई, ठोकर यहाँ बना जाए जो मानी पानी का रुकआउट हो जाए जो हमने गाँव बच जाए। अच्छा, इस नदी के निशाने पे काका ये नदी जो बा नदी के निशाना पे को घर बा? माने नदी के वजह से 100 घर से ऊपर तबाह बा, हर समय तबाही रहता है। 100 घर बा। अभी रास्ता घाट भी सर हम लोग अभी नहीं बना है, आप देख रहे हैं रास्ता घाट भी। अच्छा हाँ, मोती टोला गाँव से आने के लिए आप लोगों का रास्ता? हाँ, मोती टोला में नाव से जाते हैं हम लोग सर, बड़ा मार्ग पर बड़ा रोड पर नाव से जाते हैं। अभी नाव से माने आप लोग का एरिया पूरी तरह पिछड़ा हुआ है, यहाँ पे कोई सुविधा नहीं है? बिल्कुल पिछड़ा हुआ है, अभी है बड़ा तक ले हम लोग को रोड भी नहीं मिला है सर। आइए यहाँ पे कुछ लेडीज लोगों से बात करते हैं, जानकारी लेते हैं लोग क्या सुविधा है। आप लोग बताइए आप लोग क्या सुविधा हो रही है यहाँ पे, क्या दिक्कत? सुविधा ही चाहते हैं सर जो हमने के नदी के पुल बन जाए चाहे ठोकर घर बांधी जाए, हमने के घर दोहे कटे वाला बा, सुविधा हो जाए हमने के रहे का अच्छा हो जाए, रोड बन जाए, इस सुविधा चाहते हैं। यानी जब ठीक है धान बोते जब उद जाता खाले खेत पर पानी है सरकार के द्वारा, पानी बिजली बत्ती राशन सब कुछ की सुविधा मिलता है?
हाँ राशन और बिजली बा सब भाई। लेकिन तनिक ऐसा ई व्यवस्था नहीं है, सड़क के व्यवस्था, नदी के व्यवस्था, हमने के रोड के व्यवस्था नहीं है, ये के व्यवस्था नहीं है, बीमार हो जाता आदमी जगह पाते जाना है। ऐसा से शिकायत तो नहीं कोई लो कहीं ना? अभी नहीं भइल बा। मुखिया लगे चाहे वार्ड सदस्य केहू सुनते नहीं की जा केहू नहीं के कुछ हां के देखे नहीं के चाहे रही केहू नहीं के सुन। यानी यहां पे कोई सुविधा नहीं है? कैमरा मैन नितेश तिवारी के साथ धीरज श्रीवास्तव, टीवी वन इंडिया न्यूज, ठकराहा। टीवी वन इंडिया न्यूज के लिए धीरज श्रीवास्तव की रिपोर्ट, ठकराहा, बिहार। बिहार के मझौलिया प्रखंड में हरगुण साही उच्च विद्यालय सरिसवा में एनडीए गठबंधन के प्रत्याशी मकान सिंह के पक्ष में वोट मांगने पहुंचे दिल्ली के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सह सांसद मनोज तिवारी ने चनपटिया विधानसभा क्षेत्र के भाजपा प्रत्याशी मकान सिंह को जिताने की अपील की। साथ ही कहा कि चुनाव बिहार के भविष्य का चुनाव है, बिहार के बाहर बच्चों की सुरक्षा होनी चाहिए। वे 19 लाख युवकों को रोजगार देंगे तथा कोरोना की दवा निःशुल्क वितरण करेंगे। उन्होंने राजद को जंगल राज तथा कांग्रेस को हत्यारा समर्थक और कम्युनिस्ट को भारत का टुकड़ा टुकड़ा करने वाला बताया। उन्होंने कहा कि बिहार में जातिवाद नहीं होनी चाहिए। वही उपस्थित जनता से उन्होंने उमाकांत सिंह के लिए वोट भी मांगे। टीवी इंडिया न्यूज के लिए मनीष कुमार की रिपोर्ट, मझौलिया, पश्चिमी चंपारण, बिहार। नरकटियागंज विधानसभा 3 से चुनाव लड़ रहे हैं। जी हाँ, जैसे जैसे चुनाव का दिन नजदीक आ रहा है वैसे ही चुनावी माहौल गर्म होता दिख रहा है। नरकटियागंज विधानसभा 3 की नैया को पार करने के लिए प्रत्याशियों ने अपना दमखम लगाना शुरू कर दिया है। तो वहीं बीजेपी से ही पूर्व प्रत्याशी रेणु देवी को टिकट नहीं मिलने से विधानसभा में वोटरों द्वारा एक बार फिर करवट बदलती देखी गयी। निर्दलीय प्रत्याशी रेणु देवी भारी संख्या में अपने समर्थकों के साथ पूरे विधानसभा में जनसंपर्क कर वोटरों को अपने पक्ष में वोट देने के लिए अपनी पूरी समर्थकों के साथ दमखम लगा रही हैं। वही समर्थकों में पूर्व सभापति गुड्डू अग्रवाल, पूर्व सभापति सुनील जायसवाल, समाज सेवी वर्मा, प्रसाद बड़ेलाल आदि लोग मौजूद रहे। टीवी इंडिया न्यूज के लिए मंटू गुप्ता की रिपोर्ट, नरकटियागंज, बिहार।